अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 13 फरवरी के दिन यूपी समाजवादी पार्टी सीनियर लीडर आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर सुनाई गई सजा। जी हां दोस्तों, तकरीबन 15 साल पुराने केस में यूपी मुरादाबाद MPML स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2008 के केस के मामले में फिर सुनाई 2 साल की सजा। इतना ही नहीं दोस्तों, आजम खान और उनके बेटे पर कोर्ट ने 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, साल 2008 में चेकिंग के दौरान पुलिस वाले आजम खान साहब की गाड़ी रोके थे, जिसके बाद SP के लोग नाराज हो गए और हाईवे पे ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, धरना देना शुरू कर दिए। बाद में इस मामले में छजलेट पुलिस स्टेशन में आजम खान के अलावा दूसरे कई लोगों पर केस बुक किया गया, FIR रजिस्टर की गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आजम खान साहब के वकील शाहनवाज हुसैन ने बताया कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत मिल चुकी है